अच्छा कौन कहता है 2020 बुरा साल निकला? देख लो कंगना, आपको साल के लास्ट में कुछ खबरी मिली गई कि आप हमारे शो पे आ रही हैं। It was worth it. मैंने जितनी बार आपको फिल्मों में देखा आप काफी सीरियस दिखती हैं। आज आप बड़ी ब्लश कर रही, कहीं मुझे देखकर तो नहीं ऐसा? नहीं, मैं बहुत सीरियस ही हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। पर आप सीरियसली काली साड़ी में जब एंट्री ली, मुझे लगा मुझे फिल्म फेयर मिल गया, पता है? हमें गुड वन। अच्छा सीमा जी, अभी हाल ही में मनोज सर आए थे जब हम लोग के लिए, और आज दूसरी बार फिर आप साथ में आए हैं मियां बीवी, और मनोज सर का तो आना जाना लगा रहता है, मुझे लगता है इतना तो आप ससुराल में भी नहीं जाते होंगे जितना हमारे शो पे आते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना हंसाते हैं, मतलब मन करता है बार बार आने का। देख लो, ज्यादा मत आओ, यहाँ पर भी, यहाँ भी इज्जत कम हो जाएगी ससुराल की तरह। मतलब चलते शो में तुम अब मतलब ये करोगी यार, हद है यार। नहीं, मतलब कहीं भी ज्यादा जाओ तो बेइज्जती हो ही जाती है। सुन रही हैं आप? नहीं, मैं क्या बात सुनी आपने? तेरी से कम ही आई हूँ यहाँ। कंकना, आप तो वैसे ही इतनी स्लिम ट्रिम है, मतलब बड़ी फिट हैं आप माशाल्लाह। तो ब्लैक साड़ी पहनने को कुछ आपका फेवरेट कलर है ये? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है, और मुझे लगा ये सेट बहुत कलरफुल है वैसे भी, तो मैं थोड़ा, मैं वैसे भी सोबर हूँ तो मैं सुबह कलर पहनती हूँ। ओके, वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, कंकना। कोंकणा, बड़ा बंगाली मिठाई जैसा नाम है इनका, कोंकणा है ना। हाँ, मुंह में मीठा मीठा सा हो जाता है जब नाम लेते हो ना आप। तेरे को तो बस सुंदर लड़की देखनी चाहिए और तेरा ये शुरू हो जाता है। हाँ। तो क्या करें, कभी कभी देखने को मिलती नहीं, तो हमारी तो लड़कियां भी असेंबल की हुई है हमारे शो में। पर मुझे लगता है कोंकणा, आपको जब अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करते हैं, आई एम श्योर अगर आपको कोई पंजाबी मिले वो हमेशा कंकणा बोलेगा। कंकना, कोंकणा, क्यों साउथ में तो कणकणा नहीं भी बोले? आई यूज्ड टू हैव अ साउथ इंडियन मैथ्स टीचर, ही यूज्ड टू कॉल मी कणकणा, सो आई हैव बिकम यूज्ड टू इट। पर असल में एग्जैक्ट कैसे है नाम? एग्जैक्टली है जैसे होता है ना, किंग कॉन्ग, हॉन्ग कॉन्ग, कोंकणा, कोंकणा, सो इजी एक्चुअली, कोंकणा, सो इट्स अ यूनिक नेम ना, अमेजिंग। अदरवाइज नाम इतने कॉमन होते जैसे कपिल, जैसे अर्चना, शुरू हो गया। ये अर्चना भी इन्होंने बाद में इंडस्ट्री में आगे रखा, पहले इनका नाम राजू था। अच्छा कोंकणा, मैंने देखा आप घर से बहुत कम निकलती हैं, जब निकलती तो सीधा बड़े पर्दे पे आती हैं। टीवी पे मैंने कभी आपको किसी शो में नहीं देखा, आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं। थैंक्स टू सीमा जी। सीमा जी के कहने पे आई हैं आप, मुझे तो लगा था आप मुझे लाइक करती, आई मीन आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, मेकअप से देखी, फिर अभी मैंने डॉली किटी और चमकते सितारे भी देखी। थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं। थैंक यू सो मच। सीमा मैम, मनोज सर जी आपके हस्बैंड है जी, तो राम प्रसाद की 13वीं में ये, मतलब आपको किसी ने रिकमेंड किया था इनका नाम? घर पे स्ट्रगल हुई थी। हम लोग के एपिसोड में भी बताया था कि इनसे एक वादा किया, ये मुझे इज्जत देंगे, मैंने काम तो तो आप सोच सकते हैं कि कितना घर में इज्जत दे रहे जो इनको काम देना पड़ रहा है। अच्छा सेट पे कैसा होता है? आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में जब काम करते तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है, यू नो, थोड़ा हमारी बहुत लड़ाई हुई। एक बार या बहुत बार? दो तीन बार हुई, बिकॉज क्योंकि आप डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक डायरेक्टर जो है वो मतलब लगा हुआ है कि ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ये एक्टर जो है मतलब ही अच्छा। हु करते रहेंगे, ये नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एक आध बार मैं भी फैल गया, मैंने कहा यार तुम जब एक्टिंग करने जाती हो स्टेट पे तो तुमसे ज्यादा कोई मस्ती खोर नहीं होता, और हम जब एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी हमारी जो है सबसे ज्यादा ही, मतलब इनके बारे में मशहूर है कि जब एज एन एक्टर काम करती है ना तो ही लास्ट मोमेंट तक फन चलता रहेगा। और उधर इन्होंने सब जितने एक्टर्स थे, निनाद हो, विनय पाठक हो, विनीत हो, चाहे कोई भी, सबकी रेल लगा के रखी हुई थी कि ये क्या है, कॉफी का मग लेके आएंगे, व्हाट इज दिस,
बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे ना, आज मैं पब्लिक के सामने इनकी एक और पोल खोलती हूँ। प्लीज बिल्कुल। हाँ, अब आपने तो चिंगारी छोड़ ही दी है जी। अब ये एपिसोड तो हम दोनों का रह जाएगा, ये तो खाली ताली बजाएंगे दोनों। चलो आओ, क्या हुआ? इन्होंने शर्त रखी कि मैं जब तुम्हारे शूटिंग पे जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जाएगा। किस चीज का ट्रेनर? ट्रेनर मतलब जेरी करेंगे वहां पर। और ये नहीं, ये भी, ये दूसरे जो शख्स बैठे निनाद, अच्छा, इन्होंने अपना एक कॉमन ढूंढा कहीं से कि हम दोनों सुबह जिम किया करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शूटिंग पे आएंगे। वाँ वाँ। मैं भी सोचू, अच्छा मैं करता ऐसा था कब से हो गया? मैं करता था। चुप रहो, एक मिनट, अभी जो मैं आगे आ रही हूँ सुनो, दोनों का आ गया जी, ठीक है। उसके बाद दो दिन तीन दिन तो बहुत रहा ऐसा, एक्सरसाइज हो रही है, मैं भी सोच रही हूँ हाँ यार बात तो है बंदों में, काम तो कर रहे हैं। पांचवें दिन वो बंदा दूर से आता दिखाई दिया, उसके एक हाथ में कचौरियां थी, एक हाथ में ट्रेनर के हाथ में, ये उससे मंगवाने लग गए। अच्छा, वो वहां से मोटा होके आया हुआ। जैसे आपकी फिल्म में सारे इतने उम्दा कलाकार हैं जी, मनोज सर तो चलो आपके हस्बैंड ने कंट्रोल में ही होंगे, पर बाकी सब इतने सारे एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में प्रोजेक्ट में कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि सब दोस्त लोग थे और सबकी नब्ज मेरे हाथ में थी। कैसे? है ना, अच्छा, कि भाई ये कितना कौन भूलता है, कौन इम्प्रोवाइजेशन में चला जाता है, तो हो क्या रहता है जब शॉट चल रहा था तो मुझे मालूम था ये अब फबल रहा है ना तो ये डायलॉग भूल रहा है, और पॉज जो ले रहा है ये बेईमानी है क्योंकि एक एक्ट्रेस हूं ना, पता है। तो मैं उसको कहती थी डायलॉग भूल गए क्या? नहीं नहीं, आ, नहीं क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा डायलॉग भूल रहे हो, तो सारे वहां मुझसे इस बात पे दुखी थे कि ये वो पकड़ लेती है जहां हमारी बेईमानी शुरू होती है। जैसे हमारा भी दोस्त है शो में, मैं नाम नहीं लूंगा। वो आके जब फंबल मारता है तो टीम बोलती है, हमारे डायरेक्टर साहब या सारे राइटर, कि तू ऐसे से क्यों करता है? कहता नहीं नहीं, आप देखिए मेरा क्या है, अंडरडॉग है तो मैं भूलता भूलता अच्छा लगता हूँ। अच्छा। लेकिन चलो अंडरडॉग जिस दिन होता है उस दिन तो चलो होता है, उस तो किसी दिन अमीर सेठ भी बना दो अंडरडॉग उसका निकलता ही नहीं है। तो उसका डॉग इतना अंडर तक घुसा हुआ है ना। कोंकणा बड़ी प्यारी लगती है स्माइल करती हुई। इतना छोटा मुंह कैसे होता है? हमारा नहीं होता इतना छोटा मुंह। हाँ, इतना तीखा शार्प और ये सब। No, I think you know when I was young, I think my face was a little chubby, and now with age, I think my face is broken little bit. So maybe that's why it's. नहीं, बड़े sharp हैं आपके features. मेरा भी दिल करता है ऐसा, मेरा sharp हो, मैं भी black साड़ी black suit पहन के मैं भी black suit में ऐसे निकलूँ तो handsome. अलग ही मैं कोशिश कर रहा हूँ मनोज सर, मैंने भी एक trainer रखा हुआ है, मैं उससे कचौरियाँ नहीं मंगवाता लेकिन. निनाद, आपकी वाइफ जो है हमने सुना है कि वो भी एक्टर है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं जी। इनफैक्ट मेरी सीनियर है। अच्छा, जब हम भी छोटे थे तब वो मतलब दे हैव बीन सिंगिंग सिंस बचपन से, जिंगल्स, एड जिंगल्स वगैरह, तो वॉइसिंग की वजह से ही हम मिले स्टूडियोज। अच्छा, में मिले और दैट वे वी गॉट टू नो ईच अदर, वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वॉइसिंग की वजह से आप मिले। अब आपकी वॉइस निकलती है उनके सामने। I'm proud to say ki, you know, I listen to her and she is the wiser amongst both of us. Aur wo decisions leti hai ghar mein. And Manoj, seekho. Seekho, Manoj. Bilkul barabar mein baithe hai. Manoj taali baja raha hai, usko khatam nahi kar raha. Wo bol rahe, main kyun seekhu? Ram Prasad ka role to tumne Naseeb saab ko de diya. Par Ninad kuch ho jaye hamare darshakon ke liye live. दो तीन आवाजें निकालता हूँ। कभी किसी के साथ प्रैंक किया आपने, अलग आवाज बदल के किसी के साथ? बहुत दोस्त हैं सर, वो जो बोलते हैं कि यार मेरा आंसरिंग मशीन का जरा रिकॉर्ड कर दे बच्चन साहब की आवाज में यार। अच्छा। थोड़ा यार ऐसा सचिन कर दे यार। सर मेरे लिए भी एक रिंगटोन रिकॉर्ड कर दो बच्चन साहब की आवाज में। क्या? जी, कि आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो बहुत बिजी आदमी है, बाद में करिएगा। जो भी आपका मन हो सर, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। नमस्कार देवी और सज्जनों। क्या बात है, क्या बात है। हमने बहुत प्यार से एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की तैरवी। वाह वाह, क्या बात है सर। आपसे आग्रह करेंगे कि जरूर जाएं थिएटर में और देखें और बहुत मजा आएगा। तो ये एज का जो एक वेरी नाइस।
एक्चुअली लोग ना एग्जैजरेट करके बोलते हैं और वो करेक्टर पकड़ते हैं अलग अलग फिल्मों में, ये उन्होंने एग्जैक्टली किया, क्या बात है सर, वाह। That's why I usually उनके सारे एड्स के लैंग्वेजेस वगैरह मैं डब करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो सारे साउथ के लैंग्वेजेस हों या मराठी गुजराती। अच्छा। हाँ, तो बहुत मैं हैरान था बच्चन साहब को सारी लैंग्वेज आती कैसे है। सचिन सर की आवाज भी थोड़ी हो जाए। हाँ सचिन। हाँ, well we have made a film now called Ram Saath Ki Deni। And I would suggest that everybody should go and watch it at least once. Superb! Wow! Kya baat hai sir? Thank you, sir. Ab farmaishein aayengi, ab live show ho gaya. Salman. Salman Khan. Salman, abhi thoda karne laga. Acha ji. Humne ek film banayi hai. Superb. Jiska naam hai Ram Prasad Ki Tervi. Wow! Ye film. आप सबके साथ जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है, वाह यार वाह। सुपर सुपर। मैंने बहुत से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिमिक्री जो करते हैं मैंने बहुत से सुने, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो मतलब आंखें बंद कर लो और एग्जैक्टली सेम है। वाह, कमाल है सर। अरे भाई लोग, हम लोगों ने बहुत प्यार से एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की तेरवी। सबके साथ जाके ये पिक्चर देखने का, नहीं तो फोट डालेगा मामू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। Amazing man. Jurassic Park actually was the first film that I dubbed ever. Oh. Achha, English wow. films into Hindi. Nee, yeah, yeah. कौन से film थी जिसमें Thor का character किसका character किया था? अभी मैंने Thanos का Thanos. अच्छा. Avengers Endgame और Infinity War में Thanos I did for wow. the yeah. Was Thanos ने वो देखा the depth है Thanos, वो आप देखिए सम कमाल है. Let's hear it. Haan. Let's hear it. ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है. Wow. ऐसा कुछ था। Oh, wow. क्या बात है। Cool. अच्छा कोंकणा आज यहाँ पे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपर्णा जी का नाम ना लें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। So sweet. अपर्णा सेन जी बहुत ही कमाल की बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर राइटर, और आई थिंक 9 नेशनल अवार्ड उनको मिले हैं शायद। 9? अच्छा होगा, आई डोंट नो, 9। पर क्या बात है, तो आपको एक्टिंग पर्सनली पसंद थी या आपको नेशनल अवार्ड लेने का शौक है फैमिली को? मुझे कभी एक्टिंग करनी नहीं थी। आई एज यू कैन टेल आई एम वेरी शाय एंड क्वाइट एंड आई नेवर रियली वांटेड टू डू एक्टिंग, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ माई फैमिली और व्हाटएवर ऐसा हो गया। फिल्म भी डायरेक्ट कर ली। अपर्णा जी का नाम आया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर उन्होंने लिखी भी, डायरेक्ट भी की थी, तो मम्मी आपको जब होमवर्क कराती थी बचपन में तब ज्यादा सख्त थी आपके साथ या जब एज ए डायरेक्टर थी वो तब ज्यादा सख्ती बरतती थी? No, she was never very strict, you know, even at home or otherwise. She never very strict. She is very hardworking, so then she sets the example. No, to aapko bhi waisa hi karna padta hai, thoda bahut wo hai. But she tricked me into doing Mr. and Mrs. Iyer, you know. Because Achha. When she first said ki, you know, this film is there, you must play Mrs. Meenakshi Iyer. Hindi. Speak in Hindi. Haan, achha. anyway, I sound like a Bengali only. Chalo, you can speak in English. Aapko nahi aati English, toh hum kya kare? Aapko nahi aati English, she's very poor in English. Her English is in almost ICU. So you know she's afraid of English. You tell me, here is the most educated people, me. You please tell so in sweet English. You are to make me feel comfortable. I love speaking English. But that. English don't like me so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.